माया के द्वारा जो आप देखते हैं तो संख्या मतलब काउंट काउंटिंग इज कमिंग काल एवं संख्या माया से ही होता है तब वो चौथा रूप में गिना जाता है। माया के द्वारा जब हम उसको गिनते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति माया का खेला है उस सापेक्ष में इसको चौथा बोला जाता है परंतु वास्तविक चौथा तो है ही नहीं माया एक ही है माया से। तो यहाँ पे जो है अमर वेदांतिक सिद्धांत क्या है असत्य वर्तमान स्थित्व तथा सत्यम समीहत प्रतिबद्ध थे मतलब मान तो असत है कल मैं बताया था कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपि है फिर वस्तु एक बोध कराते हैं तो इसी प्रकार से असत्य मार्ग में रहते हुए भी हमें यथार्थता बोध होता है इस प्रकार प्रतिबिंब से भी प्रकार अब जो पहले कह करके आया था कि सर्वम भूमि इदम ब्रह्म एक पहले तो ओम इति एतदक्षरम इदम सर्वम अभिधान और अभिधेय अभिधान हो गया नाम ओंकार और अभिधि हो गया आत्मा अभिधान और अभिधेय दोनों एक है इसमें भिन्नता नहीं है नाम और नामी में भिन्नता नहीं है ये जो पहले कथन करके आया था अब उसको दिखाने के लिए फिर मंत्र आ रहे हैं किस प्रकार से आत्मा जो है आपका ये ओंकार के साथ इसका तुलना कैसे हो सकता है किस रूप से करेंगे इसको दिखाएंगे। अब यहाँ पर इसके कहने का अभिप्राय क्या हो गया कि उत्तम अधिकारी के लिए महावाक्य ही पर्याप्त है उत्तम अधिकारी के लिए महावाक्य पर्याप्त परमात्मा ब्रह्म उत्तम अधिकारी कौन होते हैं जन्मांतरीय सत्स्वीकृति के फल स्वरूप दूरी तो क्षय हो जाने फल गुरु वाक्य सुनते ही बोध भी होता है और उसको धारण करके भी रखते हैं उत्तम अधिकारी बोध भी होता है उसका धारण भी रहता है। मध्यम अधिकारी में क्या होता है संस्कार उतना अच्छा नहीं होने का समस्त जाता है परंतु धारण नहीं कर पाता तो लंबा समय तक रख नहीं पाता फिर क्या करता उसको विचार करना पड़ता है तो विचार की शैली हमने दिखा दिया क्योंकि उसने बोला था स्वयं आत्मा चतुष्पाद काम अयम आत्मा ब्रह्म पर्याप्त था भाष्यकार बोले थे उत्तम अधिकारी के लिए अयम आत्मा ब्रह्म ही पर्याप्त है परंतु जिसको ये समझ में नहीं आएगा विचार उनको समझने के लिए स्वयं आत्मा चतुष्पाद ऐसा करके कहा था। अब इससे भी जिसको समझ में नहीं आता सामान्य व्यक्ति जो जिसको इससे भी समझ में नहीं आता मतलब गुरु का कोई समझ में नहीं आता एक व्यक्ति समझ करके धारण कर सकता है एक व्यक्ति समझ सकता है मतलब लंबा समय तक प्रॉब्लम नहीं कर सकता अपने आप बच्चे को गणित सिखाया समझ गया उसको बोलो कि इसको दूसरा एक सवाल देखे करो करके नहीं करो नहीं कर पाता बुद्धि में उन्नत कोई बच्चा सिखाया आपने उसको किया दूसरे को सवाल देते नहीं तो अपने पढ़ कर दिखा दे ये जो अधिकारी की भिन्नता से यहाँ तक दो हो गया
सबसे अच्छा अधिकारी के लिए अयम आत्मा ब्रह्मा, दूसरा अधिकारी के लिए स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ऐसा करके विभाजन कर दिया। इससे भी अगर नहीं होता तब क्या होता है कि आत्मा और ओंकार, मतलब ओंकार को प्रतीक में आत्मा को उपासना, निष्ठीकरण को उपासना करना, ये जो है कृष्ण कोटि का अधिकारी के लिए। अब यहाँ पे जो ओंकार रूपी प्रतीक में जो आत्मा की उपासना के लिए होता है, यहाँ भी ओंकार की उपासना दो प्रकार से होता है, इसको ध्यान से। एक हो गया दृश्य अनुविद्ध, मतलब रूप अनुविद्ध समाधि, और एक है शब्द अनुविद्ध समाधि। ओंकार उपासना में एक है रूप अनुविद्ध मतलब दृश्य अनुविद्ध समाधि, और एक है शब्द अनुविद्ध समाधि। मतलब क्या हो गया, एक सुवर्ण जैसा ओंकार को अपने हृदय कमल में, अपने हृदय कमल में चिंतन करके यही ब्रह्म है, यही मैं हूँ, ये भाव, ये हो गया आपका दृश्य अनुविद्ध समाधि, रूप अनुविद्ध समाधि, ओंकार रूप। एक हो गया ओंकार की उच्चारण शब्द अनुविद्ध समाधि, ओ ओ, ये ब्रह्म आवाज अपने नाथ, यही ब्रह्म है, यही मैं, ये बार बार शब्द अनुविद्ध समाधि। यहाँ पे दोनों, और कभी कभी क्या होता है हम लोग इष्ट देवता के रूप के साथ उसका नाम उच्चारण करके मंत्रणी करते हैं तो मिल करके, पर ओंकार उपासना में ये बाहर ओंकार को दीवार में टांग के रख करके ओंकार बाहर है, ये उपासना नहीं होती। बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर ना, बाहर ना, अंदर, वो भी अंदर की आवाज है, वो जैसा बोल रहा है कहाँ से शब्द उठ रहा है उसको सोचो, कोई नाम बोल रहा है उस नाम बोल, ये मेरा शब्द है, ये मेरा शब्द, ये मतलब अहंकार रूप में चिंतन। जब ये प्रतीक उपासना है अपने सभी के रूप में चिंतन करना है, अन्य प्रतीक उपासना में फिर लिंग में हूँ, ये लिंग नहीं कह सकते आप, परंतु ओंकार के आत्मा दृष्टि आप दिखाए कि इस प्रकरण के लिए अभी जो है 8-9-10 मंत्र आ रहे हैं, कैसे ओंकार आत्मा की एक रूपता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे टीकाकार उपोद्घात दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तत्त ज्ञान समर्थानां मध्यमानां उत्तमानां च अधिकारी अधिकारिणां अध्यारूप अपवादाभ्यां पारमार्थिकं तत्त्वम् उपदिष्टम्। ठीक है, उत्तम अधिकारी के लिए क्या था, परमात्मा ब्रह्म, वाक्यर्थ से लक्षक तो विचार करके अपने आप पहुँच जाते हैं, तत्व स्मारक, ये उत्तम अधिकारी समझता भी है, विचार करके उसका धारण करके रख सकते हैं। मध्यम क्या होगा, वो उतना जो है अभी तक मन तैयार नहीं हुआ, तब उनको विचार के रास्ता खोला, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन जो है तीनों का विचार करता है, और इसका अंदर अनुसूच व्यभिचारी तत्व तो, वो मेरा स्वरूप है, वही आत्मा चार है, आत्मा के पास तो कोई पाद तो है नहीं, तो वहाँ पे भाष्यकार स्वयं बोले थे ये गाय के चार पाद जैसा नहीं है, बोले थे कि नहीं बोले थे, जैसे आपको अलग दिखाई थी एक कंसेप्चुअल है, जैसे एक रुपया भी चार जो अन्य का चार होते हैं, ऐसे यहाँ पे चार पाद करके वहाँ पे कह दिए। ये स्वयं आत्मा चतुष्पादम मध्यम अधिकारी को ले कह दिया, उसमें जाकर स्वप्न सुषुप्ति को आधार पर विचार करते हुए फिर वहाँ पे सप्तम मंत्र लाके नाम तो प्रज्ञना बहिष्प्रज्ञना उभयतः प्रज्ञना प्राज्ञना प्रज्ञना प्रज्ञानगणम, इस प्रकार वहाँ पे फिर क्या हो गया प्रपंच प्रसन्न शांतम शिवम अद्वैतम तुरीयम आत्मा सविज्ञेय, ऐसा करके निर्माण किया, ये हो गया मध्यम कोटि के लिए। अब इसको भी जो मतलब धारण नहीं कर पाएगा उनके लिए अगला कर्तव्य होगा, इसलिए फिर बोलते हैं तत्व ज्ञान समर्थानम, तत्व से बोध करने का सामर्थ्य वाला, देखो क्या तत्व को समझना फिर उसको धारण करके रहना, तत्व ज्ञान समर्थाना मध्यमानाम उत्तमानाम च अधिकारिणाम, कुछ उत्तम अधिकारी है कुछ मध्यम कोटि का अधिकारी है, उत्तम अधिकारी नाम अध्यारोप अपवादाभ्याम, है ना, अध्यारोप क्या किया था आत्मा को जाकर स्वप्न सुषुप्ति का अध्यारोप किया फिर निषेध कर दिया, इस अध्यारोप उपवास के माध्यम से पारमार्थिक तत्व पारमार्थिक जो आत्मा तत्व है उसको उपदेश किया गया, ये आपका काम हो गया, फिर आगे ग्रंथ का क्या करेगा, तो श्रुति माता जानते हैं सभी व्यक्ति इतना अच्छा अधिकारी नहीं होते, सभी के लिए महाऔषधल है, सभी के लिए यहाँ पर दवाई है, इसलिए इदानी तत्व ग्रहण असमर्थाना अधम अधिकारिणा आत्मध्यान विधानाय आरप दृष्टि एवं अवश्यभ्य व्याचस्ते। ठीक है, उपासना दो प्रकार की होती है, मतलब
प्रतीक अवलंबन करके प्रतीक उपासना बोलते हैं। प्रतीक उपासना में क्या होता है, दो भाग है उसमें, एक संपद उपासना भी है, प्रतीक में संपद उपासना भी होती है। जहाँ पे प्रतीक की प्राथमिकता हो, शिवलिंग में आप शिव चिंतन करते हैं, शालिग्राम से ना विष्णु की चिंतन करते हैं, परंतु प्राधान्यता तो वहाँ पे प्रतीक की होती है, शिवलिंग की अधिकता है, उसमें आप शिव जी का मूर्ति चिंतन करते हैं। और संपद उपासना में करते हैं निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट दृष्टि करते हैं, संपादन करते हैं, जैसे दूलों को अपने रूप में पुरुष अपने रूप में चिंतन करना, ये चीज़ें अब मन को ब्रह्म रूप में चिंतन करना, मणि ब्रह्म इस प्रकार से चिंतन करना, ये जो है दो प्रकार की प्रतीक उपासना होती है, एक संपद उपासना दूसरा प्रतीक उपासना की, जैसे शिला कोई कोई मतलब मूर्ति का अवलंबन करके वहाँ पर चिंतन करना, उसको चिंतन करना। अब जो यहाँ पे बोलते हैं इदानी अब तत्व ग्रहण असमर्थन, तत्व को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है जिन लोगों का, इतना विचार नहीं कर पाता है, इतना कर पाता है, उन लोगों को क्या बोलेंगे, एक ही मंत्र को रिपीट करो। अभिप्राय तो एक ही है, मन को लंबा समय तक एक विषय में लगा के रखना, मन को स्थिर करना, उसके लिए क्या है, कोई विचार करते हैं, कोई तत्वमसि सुनते ही इतना सुंदर आत्मस्वरूप का उनके सामने पूरी हो जाता है, कोई नहीं कर पाता, थोड़ा विचार करते हैं, जिसको बात करके अधिष्ठान तत्व को विचार करके समझ जाता जाकर सुन, वो भी नहीं कर पाता है, तब होता है कि ओंकार रूपी आलोकन में आत्म का चिंतन करो। ओंकार हो गया अवलंबन अविधान, और आत्मा हो गया अविधेय, ये पहले बोल कर आया था है ना, जिसको बोला जा रहा है वो हो गया अविधेय, और जिस नाम से बोला जा रहा है वो हो गया अविधान, अविधान और अविधेय अभिन्न हो गया। अविधेय क्या अविधेय यहाँ पे आत्मा है नाम ना, अविधेय हो गया अविधान हो गया नाम, और नामी नाम नामी वाचक वाच्य अविधान अविधेय, अविधान है नाम है नाम हाँ, अविधेय है आत्मा है अविधेय आत्मा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इदानीं तत्व ग्रहण असमर्थान, तत्व की विचार पूर्वक ग्रहण करने में सामर्थ्य नहीं है जिन लोगों का, उन लोगों का वो कौन है, अधम अधिकारी, ये अधिकारी अधम बोला जा रहा है इसके सापेक्ष में, ये भी अधम अधिकारी नहीं है, उपासना करने के सामर्थ्य के लिए आपको बहुत ज्यादा की पुण्य चाहिए, हर मानसिक एकाग्रता चेता हो सकता है, अधम अधिकारी नाम आत्म ध्यान विधान, ठीक है ना, ओंकार रूपी अवलंबन में आत्मा की चिंतन विधान करने के लिए है ना, विधान है विधान, इसलिए आत्मा तो ध्यान का विषय है ही नहीं, मन का विषय है नहीं, तो क्या मतलब ओंकार रूपी अवलंबन में आत्मा का चिंतन करने के लिए आत्म ध्यान विधान आया, ये इसे होता है आरोप दृष्टि, आरोप करके उपासना किया जाता है ना, इसीलिए आरोप उपासना में दो भाग है, एक प्रतीक उपासना एक संपद उपासना, ठीक है ना, आरोप दृष्टि एवं अवश्य उसको आश्रय करके व्याख्या करते हैं, उसका फिर व्याख्या करते हैं अभिधेय, अब हम मंत्रों को पढ़ेंगे, ठीक है, सो अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो, सो अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो, अधिमात्रम अधिमात्रम पादा मात्रा मात्रश्च पादा, पादा मात्रा मात्रश्च पादा, अकार उकार मकार इति, अकार उकार मकार इति, सोऽयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारो, अधिमात्रम पादा मात्रा मात्रश्च पादा, अकार उकार मकार इति, वो ये आत्मा, वो भी बोल रहे हैं ये भी बोल रहे हैं, वो मतलब तत्पत्र के, और ये मतलब ये मतलब बोला था ना अयम आत्मा ब्रह्म बोलने से अपने क्या, वो जिस आत्मा को लेकर के अभी तक विचार किया गया वो ये आत्मा जो अधिष्ठान बच्चा का, वो अध्यक्षर, वो जब अक्षर को आश्रय करके, अक्षर मतलब इम्यूटेबल नहीं है, अक्षर वर्ण किसी वर्ण को आश्रय करके उसको जब हमको चिंतन करने की मौका आएगा, अध्यक्षर मतलब वर्ण के आश्रय में जब हम उसको चिंतन करना चाहेंगे ओंकार आत्मा को, तब वो वर्ण होगा हमारे लिए ओंकार। यदि किसी एक शब्द मतलब वर्ण को लेकर के आप आत्मा को चिंतन करना चाहते हो तो अवलंबन होगा हमारे लिए ओंकार, जैसे शिव जी के लिए अवलंबन है शिवलिंग, विष्णु के लिए अवलंबन है शालिग्राम शिला, इस प्रकार से इस आत्मा के लिए जो है अवलंबन होगा ओंकार, अधिमात्रा उनकी मात्रा को आश्रय करना,
मात्र कष्ट करके क्यों आत्मा की पात को तो दिखा दिया स्वयं आत्मा चतुष्पाद बोल करके आया। अब इस आत्मा की जो पात है यही पात जो है ओंकार की मात्रा पचास सवाल से होता है पादा मात्रा मात्रस्य पादा ठीक है ना। ओंकार की जो मात्रा है अकार उकार मकार बोलेंगे यहाँ पे और आत्मा की जो पाद है जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये दोनों अभिन्न है। इस प्रकार से चिंतन करना है, इस प्रकार से चिंतन करना है। उपासना है क्या है उपासना ओंकार रूपी आलोकन में आत्मा को चिंतन करना परंतु वहाँ पे क्या है अंदर भी रखना है उसको। हमने क्या बोला दो प्रकार से एक हो गया आपका रूप अनुमित्व एक हो गया शब्द अनुमित्व। रूप मतलब दृश्य समाधि एक हो गया शब्द अनुमित्व समाधि। तो ओंकार की जो है एक आकार का सुंदर ओंकार आकार अपने हृदय कमल में सुवर्ण की तरह चमकीला इस रूप में चिंतन कर सकते हैं। अब देखो छंद में आ जाए दृष्टम से श्रुतम से उपासित इसको बंद करो आपका आवाज सुनाई देगा आपको बंद करो वो दिखाई देगा दृष्टम से श्रुतम से उपासित छंद को लाया जाएगी मतलब ये जो क्रिया जो बोलते हैं अनुरूप आप ये बंद करके आपका अंदर की आवाज़ सुनने का अभ्यास करना अंदर के रूप सुनने का अभ्यास करना। आप क्या है अभी अंदर रूप की आपको पता नहीं ओंकार का अवलंबन ले लो ओंकार का अवलंबन ले लो धीरे धीरे सी होता है जब उपनिषद में आया हुआ है उपनिषद से बाहर नहीं है। सो अयम आत्मा अध्यक्षर ओंकार अधिमात्र ओंकार का जो मात्रा के साथ जो है और आत्मा की जो पाद है वो एक रूप है बोलते हैं पादा मात्रा मात्रस्य पादा व्यापिया रूप में बोला पाद हो गया आत्मा का मात्रा हो गया ओंकार का फिर ओंकार की जो मात्रा वही पाद है। कौन कौन है मात्रा अकार उकार मकार मतलब जब हम ओंकार उच्चारण करेंगे तो हमको ये सुनाई देना चाहिए ओम ओम मतलब और आप किस किस प्रकार से आत्मा की पात के साथ ये समान है अपने आप किस समता के कारण अपने आप बोलेंगे कभी भी किसी में कोई अवलंबन लेना कुछ समता को लेकर के बोलते हैं। हम यहाँ पे एक ही बोलते हैं कि अभिधेय अब भाष्य लगाइए अभिधेय प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मा इति व्याख्या ठीक है ना। एक हो गया अभिधान एक हो गया अभिधेय ठीक है ना। अभिधेय हो गया आत्मा अभिधेय प्रधान जो अभिधेय की प्रधानता है जो अभिधान रूपी ओंकार का और चतुष्पाद आत्मा चार पैर वाला आत्मा है चार पाद वाला आत्मा चार पाद वाला पैर जागृत स्वप्न सुषुप्ति चार पाद सभी इति व्याख्या यहाँ तक हमने व्याख्या करके सात मंत्र ज स ज हो गया प्रसिद्धि इस प्रकार जो आत्मा है सो अयम आत्मा ज इस मतलब क्या हो जाए वो जो ओंकार रूप में कहा और वही आत्मा तो अहम ज ये प्रसिद्ध है सो अयम आत्मा सो ज स अयम ये तीन पद ज प्रसिद्ध का रूप है स मतलब दैट अयम मतलब ये जो प्रसिद्ध है जिसको ब्रह्म से कहा गया था वही ये आत्मा क्या हो गया अध्यक्षरम अक्षर को आश्रय करके मतलब अध्यक्षरम अर्थ कर दिया अक्षरम अधिकृत्य अक्षर में एक अक्षर को अपने अधिकार में ला कर अवलंबन नहीं अधिकार मतलब उनका अवलंबन नहीं करके मतलब अभिधान प्रधान अब अभिधान मतलब नाम के ऊपर अवलंबन प्राधान्यता दिया प्राधान्य न वर्ण्यमान उसका जो वर्णन किया जाता है वो हो गया आपका अध्यक्ष नाम के ऊपर जैसे अ एक नाम है उ एक नाम है संज्ञा है इसलिए यहाँ पे उस प्रकार से जब उसका वर्णन करते थे उसको बोलते हैं अध्यक्ष। अब यहाँ पे टीकाकार देखे लिख रहे अध्यक्षरम इति एतद् व्याकरति है ना। सो अयम आत्मा अध्यक्षर मूल में है तो भगवान भास्कर यहाँ पे अध्यक्षर शब्द को प्रयोग किया फिर अध्यक्षर को अर्थ कर दिया क्या अर्थ किया कि अक्षरम अधिकृत्य मतलब अक्षर को अवलंबन ले करके इसका प्राधान्यता क्या होगा अभिधान नाम की प्राधान्यता होगी है ना। अब देखिए हमने बोला ना प्रतीक उपासना में जिसको आप प्रतीक लेते हैं उसकी प्राधान्यता ओंकार एक नाम है या ओंकार ओंकार की प्राधान्यता है ओंकार की प्राधान्यता है। संपद उपासना में जिसको संपादन कर रहे हैं उसकी प्राधान्यता जिसको संपादन कर रहे हैं उसकी प्राधान्यता होती है इसलिए होता है अधिकृत अभिधान प्राधान्य अभिधान में प्राधान्यता दे करके वर्णन किया जाता है उसको होता है अध्यक्षर। दो नंबर टिप्पणियाँ एक दो तीन तीन टिप्पणी है ना पहले अभिधान प्रधान टिप्पणी है
अभिधेय इत्यादि ज ओंकार अभिधेय प्राधान्येन चतुष्प आत्मा इति व्याख्यात इति अन्वय। जो ये ओंकार है ज ओंकार ठीक है ना, अभिधेय ओंकार हो गया अभिधान ठीक है ना, अभिधेय हो गया आत्मा, ओंकार हो गया अभिधान, आत्मा हो गया अभिधेय। हाँ अभिधेय प्राधान्येन अभिधेय की प्राधान्यता देख करके आत्मा को क्या दिखाया गया था, वो चार पाया जाता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये ओंकार का नहीं है ये आत्मा का है। इसे बोलता है चतुष्पाद आत्मा ही व्याख्या, तो चार चतुष्पाद आत्मा है इस प्रकार से व्याख्या जाएगी थी आत्मा की, हमें समझना पड़ेगा। जो ओंकार अभिधान मतलब का नाम है अभिधेय प्राधान्येन, अभिधेय में प्राधान्यता प्रयोग करते हुए चतुष्पाद आत्मा चार पैर वाला आत्मा है ऐसा व्याख्या के चतुष्पाद आत्मा इति व्याख्या, तो ऐसा अन्वय करना पड़ेगा इति मान्य भाष्यकार की पंक्ति को लेकर बोल रहे। अभिधेय प्राधान्य ओंकार से आत्मतादात्म्यम, अभिप्राय क्या है, अभिधेय में जब प्राधान्यता देते हैं अभिधेय प्राधान्य है ना ओंकार से, ओंकार हो गया अभिधान, परंतु हमें प्राधान्यता किसको देगी आत्मा को, इसलिए होता है क्यों दोनों के तारा करता है आत्मा और ओंकार भिन्न नहीं, आत्मा नाम नाम अभी पहले बोल कर गया अभिधान प्राधान्य ओंकार से आत्मतादात्म्य भी इसका भी प्रयोग करते हैं। दो नंबर होता है सो अयम आत्मा, सो अयम आत्मा जत शब्द उक्त ओंकार अभिन्नत्व विवक्षया, जत शब्द का द्वारा किसको कहा, जो प्रसिद्ध ओंकार से बोलता है जत शब्द उक्त ओंकार अभिन्नत्व विवक्ष, ओंकार से अभिन्नता को विवक्ष करते हुए सो अयम आत्मा ज के द्वारा क्योंकि पहले क्या शुरु मंत्र क्या है पहले इसका अभिप्राय से आत्मन तत् शब्द परामृश्य आत्मा के साथ उसका परामर्श यदि अवधि हम ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा में चार पाद दिखाए और ओंकार हो गया उनका नाम, नाम और नाम ही अभिन्न है, ओंकार में तीन मात्रा आत्मा में चार मात्रा, एक साइलेंट मात्रा है ना मतलब ओम बोलने के बाद थोड़ी रुकना दूसरा शुरू करने से पहले वो जो थोड़ा रुकना उसको ध्यान दे तुल्य मात्रा मात्रा। तीन नंबर में बोल रहे हैं अध्यक्षर, अध्यक्षर में तो मतलब अक्षर अभिन्न मतलब अक्षर ओंकार भी अक्षर के साथ आत्मा की अभिन्नता है, ये अभिप्राय क्या था नाम और नामी दोनों को अभिन्न दिखा करके भाष्यकार बोले थे एक को निषेध करने से दो का निषेध हो जाता है, बोला था भगवान भाष्यकार एक को निषेध कर देंगे नाम नहीं है मतलब रूप भी नहीं है नामी भी नहीं है, परंतु नाम रूप से नहीं तो नाम रूप का अधिष्ठान त्रिशु अपनी कालेश जगत सत्ता अपना व्यभिचरती जगत के नाम रूप व्यभिचर परंतु जगत की सत्ता की व्यभिचार कभी नहीं होती, ये जो है सत्ता मतलब उसके विद्वत बस अस्तित्व मात्र, इस प्रकार देखिए घट है पट है मठ है पुस्तक है टेबल है चेयर है, ये घट पट मठ पुस्तक टेबल ये सब नाम में व्यभिचार रहता तो है उसका व्यभिचार है, ये अस्थिर रूप में प्रतीति होती है, इसलिए बोलते सो एवं आत्मा अध्यक्ष अक्षरम अधिकृत अक्षर को अपने विचार के अधीन ला करके फिर जो अभिधान प्राधान्य है वह उसको नाम की प्राधान्यता दे करके जब वर्णन करते हैं तब उसको बोलते हैं अध्यक्षर मतलब ओंकार को प्राधान्य शब्द को प्राधान्यता दे करके। अच्छा अभी फिर टीका में अध्यक्षरम इति अत्र किम पुनः तद अक्षरम इति प्रश्न पूर्वक उत्पादे, ठीक है तो आपने बोला कि आत्मा किसी अवलंबन में चिंतनीय है क्योंकि अधम अधिकारी है और किसको कौन सा अवलंबन है वो एक अक्षरात्मक अवलंबन वर्णात्मक अवलंबन है वो कौन सा वर्ण है, ये प्रश्न से बोलते हैं अध्यक्षरम इति अत्र, ये आपने कहा अध्यक्षरम इति अत्र किम पुनः वो अक्षर क्या है, वो अक्षर क्या है यानी शब्द किम पुनः अक्षरम इति प्रश्न पूर्वक ये प्रश्न उठा करके उसको प्रतिपादन करते हैं।
यदि उसको प्रतिपादन करते हैं तो क्या प्रश्न क्या किम पुनर्दक्षरम की आह है ना, वो अक्षर कौन सा जिस अवलंबन में आप आत्मा को चिंतन करने के लिए बोल रहे हो, आत्मा के लिए अवलंबन कौन है, यह है वो किम पुनर्दक्षरम की आह बोलते हैं ओंकार। इसलिए ध्यान रखना ये उपनिषद समय क्या कहता है, आत्मा का अवलंबन है ओंकार, आत्मा मतलब मैं, इसलिए ओंकार को कभी भी मैं से भिन्न करना चाहता हूँ, जीवन में टाइप कर दो ओम आप ओंकार का ध्यान करो, ये नहीं कर, ये हम लोग कर सकते हैं ना, ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हमारे लिए है, परंतु क्या अपने में चिंतन करना ही है, दीवार में ठाक ओंकार आप भिन्न रूप क्योंकि क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं अपने अपने को आत्मा को एक अवलंबन में चिंतन करना है, आत्मा मतलब कौन, मैं तो आपने भी ओंकार को चिंतन करना या तो हाँ या तो शब्द रूप में अथवा रूपात्मक रूप में है ना, ध्यान मतलब शब्द रूप में अथवा आप दृश्य रूप में सामने मतलब हृदय कमल में सुंदर कमल चिंतन करिए उसको उज्जवल ज्योति में ओंकार चिंतन करिए, अपने अंदर यही ब्रह्म है यही मेरा स्वरूप है, ये चिंतन करते करते मनुष्य में अगर इसको भी अब और एक कठिन आगे जाना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके थोड़ी देर रुकिए और ये जो ये शब्द अंदर से आ रहा है यही जो है नाम ब्रह्म है, ये ब्रह्म एक ओंकार एक मेरा स्वरूप, ये ओ आवाज हो रहा है यही ब्रह्म है और यही जो है मेरा स्वरूप ओंकार में हमें इसके जो शब्द शब्दात्मक व्यापक व्यापक आता है वो मतलब जो अंदर से आ रहा है मतलब हम जो बोल रहे हैं या बंद होने का बाद जो पहले तो आप बोलना पड़ेगा फिर बाद में आप देखते हैं है, बाद में आप ऊपर मुंह से आवाज नहीं करने पर भी एक अंदर से आवाज आ रहा है, जिस प्रकार हाथ को बंद करके आप कुछ भी अभ्यास करिए आपको आवाज सुनाई देगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कान बंद किए बिना भी आपको आवाज सुनाई देगा 100%। ठीक इसी प्रकार पहले ओम ऐसा मन को स्थिर करके चिंतन आवाज करते ध्यान करेंगे हमारे चंडी में एक शब्द आता है अर्थ मात्रा स्थिता नित्या जी, अर्थ मात्रा क्या है ये जो ओंकार की साइलेंट मात्रा फोर्थ मात्रा जो अच्छा अर्थ मात्रा क्योंकि पूरा मात्रा जो है ना क्योंकि उनका मात्रा क्या आया था कि आपने अपना जानु मंडल में हाथ को तीन बार घुमा करके उंगली को तीन बार घुमा करके एक बार चुटकी मात्रा में जितना समय लगे उसको मात्रा देते हैं कहा था उसको मात्रा बोलते हैं और पल बोलते हैं आप पलक झपकने में जो समय लगते हैं बिजली चमकती है वो जितना समय है वो एक मात्रा ऐसा भी उसको बोल रहे हैं तो हमारे यहाँ पे आप कुछ समय के दृष्टि में काउंटिंग नहीं करते हुए अभिप्राय यही है ओंकार रूपी अवलंबन में आपने को चिंतन करो अपने को परिचिन्न आत्म करो व्यापक आत्मा को चिंतन ब्रह्म पहले बोल कर फिर बोला सोयम आत्मा चतुष्प ये जो व्यापक आत्मा है वो चार है तो यहाँ पे देखने के साथ ओंकार के साथ आप चिंतन करेंगे तभी उसको उपाय है तो बोलते हैं कि पुनर्दक्षण ओंकार अच्छा तो यहाँ पे आगे व्यक्ति का में आ जाइए तस्य विशेषणांतरम दर्शयति वो जो ओंकार के अंदर दो विशेषण विशेषण एक विशेषण और दिखाते विशेषणांतर तस्य ओंकारस्य विशेषणांतर एक और विशेषण को यहाँ पे दिखाते हैं सो अयम ओंकार पादशब अभिव्यच अधिमात्र मात्रम अधिकृत वर्तते मैंने वहाँ पे जब अभिधान को प्राधान्य देकर के बोलते हैं तो ओंकार वही ये सो अयम ओंकार वही ये ओंकार पादश है ना जो पाद के साथ विभाग करेंगे मतलब आत्मा के पाद के साथ जब इसके विभाग करेंगे तो अधिमात्र मात्रा के साथ मिला करके ओंकार में मात्रा है पाद आत्मा में है पाद है आत्मा में मात्रा है ओंकार में अधिमात्र प्रविभक्तिमान मात्रा अधिकृत मतलब मात्रा को अधिकार में ला करके अभी पाद को स्वयं आत्मा चतुष्पाद बोला था तो पाद को अधिकार में लेकर आदर्शो कम पादश मतलब पाद को पादश पादश प्रविभक्तिमान पाद के अनुरूप होकर के विभक्त करते अधिमात्र मात्रा अधिकृत वो मात्रा को अधिकार में लेकर के विद्वान कहता है यदि अधिमात्रम इसको अधिमात्रा बोलते हैं यहाँ भी
टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है, दो नंबर और तीन नंबर है ना टीका में देखिए, मतलब ओंकार अभिन्न आत्मन कौन है उसमें, विशेषणांतरम अहम, दो तीन तस् से किसको लेंगे, ओंकार के अभिन्न जो आत्मा है उसका विशेषण होता है, उसको पाद से का विभाजन किया था तब क्या हुआ था, पाद को आश्रय करके पाद से तब जागृत स्वप्न श्रुति पाद हुआ, अगर जो ओंकार दृष्टि में करेंगे तो मात्रा दृष्टि में आ जाएगा, ओंकार अभिन्न आत्मन विशेषणांतरम तीन नंबर अध्यक्ष विशेषण अपेक्षा, एक हो गया अध्यक्ष ठीक है ना, अक्षर अक्षर को ध्यान में रखते हुए परंतु आप पाद को ध्यान में रखते हुए, इसलिए बोलते हैं अध्यक्ष विशेषण अपेक्षा विशेषण अंतरम, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे पाद स, पहले तो बोला था अध्यक्ष मतलब अक्षर को वर्ड को मन में रखते हुए, अब पाद की आत्मा की पाद को मन में ध्यान में रखते हुए ही मंच माना अधिमात्र मात्रा अधिकृत वर्तते इति अधिमात्र। अब ये देखिए टीकाकार इसको समझा रहे हैं, आत्मा ही पाद से विभज्यते, आत्मा को पाद को आश्रय करके विभाजन किया गया, कौन सा पाद है, प्रथम जागृत स्वप्न सुषुप्ति अतुल्य, चार पाद दिखाया था स्वयं आत्मा चतुष्पाद, कि आत्मा ही पाद से विभज्यते, पहले आत्मा को पाद को आश्रय करके विभाजन करके दिखाया, मात्रम अधिकृत पुनर्ओंकार विप्रतिष्ठते, और ओंकार किसको पर आश्रय करके रहता है, मात्रा को आश्रय करके रहता है, आत्मा पाद को आश्रय करके रहता है और ओंकार मात्रा को आश्रय करके दिखाई देता है, ओंकार की मात्रा क्या है, औकार उकार नकार अर्थ मात्रा, तो मात्रा अधिकृत पुनर्ओंकार अवतिष्ठते, तत्कथम पादस्य विभज्य मानस्य अधिमात्रत्वम् इति पृच्छते, इस प्रकार एक पाद के द्वारा विभाजित हो रहा है, एक मात्रा के द्वारा विभाजित हो रहा है, ये दोनों एक कैसे हो सकता है, ये दोनों एक कैसे हो सकता है, एक को आप पाद के द्वारा विभाजित कर रहे हैं किसको आत्मा को, ओंकार को आप किसके द्वारा विभाजित कर रहे हैं मात्रा के द्वारा, ये दोनों एक कैसे हो सकता है, यही उपासना है, इसमें एकत्व को चिंता करते, इसलिए हमें बोलते हैं कि आत्मा ही पादस्य विभज्यते मात्रम अधिकृत्य पुनर्ओंकार व्यवतिष्ठते, कौमा करते जाना आपके, तत्कथम पादस्य विभज्य मानस, इस प्रकार आत्मा जिसको पाद के अनुसार विभाजन किया जाए उसको अधिमात्रत्व मात्रा का अनुगुण कैसे हो जाएगा, इति व्यवतिष्ठते वहां पे कौमा हो, है व्यवतिष्ठते, ये देखिए स्था धातु इसका निरीक्षण किया, कथम आत्मन जे पादा ते ओंकारस्य मात्रा, ये कैसे आत्मा की जो पाद है वो ओंकार की मात्रा कैसे हो सकता है, तो बोले विश्रुति विधान करने हैं और उसका समता क्या है, आगे बोले समता के आत्मा की पाद और ओंकार की मात्रा में क्या समता है, कैसे हम चिंतन करें, तो उसका पाद तो आपने बोल दिया जागृत स्वप्न सुषुप्ति मात्रा क्या है, तो बोलते हैं कास का मात्रा, वो मात्रा क्या क्या है, बोलते अकार उकार मकार, वो मात्राएं क्या क्या है, काश का बहुवचन नहीं आते, काश का मात्रा ता मतलब वो तत्त का स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे, सातेता सातेता और पुल्लिंग में और नपुंसक में कम के कानी और स्त्रीलिंग में का के का, इसलिए होता है कि बम्बो बचन विसर्ग होता है, एक बचन में नमा रवे नमः, इसलिए यहाँ पे विसर्ग के शुद्ध दंत स दिखाई दे जाना, दोनों वो वचन है, वो मात्राएं क्या क्या है, काश का मात्रा, वो बोलता है कि अकार उकार मकार, वो मात्रा है अकार उकार मकार, ठीक है ना, अब कैसे दोनों में समता है, तो इस प्रकार चिंतन करने का क्या दृष्टिफल है वो आगे कहें, जो उत्तम अधिकारी उसके लिए है अधिकार के लिए बोल रहे हैं,
अयमात्मा रूप मुहावी है, दूसरे क्या है स्वयमात्मा चौतुष्मा, यहाँ पे बोलते स्वयमात्मा अंत वही आत्मा शास्त्र में कितना विशाल औषधालय है, हर प्रकार के व्यक्ति को अपने में लेकर चलना चाहते हैं। वेदांत का अधम अधिकारी बाकी सारे मार्गों से बहुत उत्तम होते ही है, यदि नहीं करेंगे तो ही बहुत होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टीका में देखिए अभी कि हम जब आत्मा ही पादस विभज्यते मात्रम अधिकृत पुनर्ओंकार में प्रतिष्ठते कथम पादस विभज्य मानस अधिमात्रत्वमिति पृच्छति कथम आत्मनो जे पादा ते ओंकारस्य मात्रा। एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है ओंकारस्य ऊपर, ठीक है मिला ओंकारस्य मात्रा इति अनंतरम जाश्च ओंकारस्य मात्रा का आत्मना पादा इति मूल अनुरोध अपेक्षितम द्रष्टव्य। टिप्पणी का बिल्कुल पकड़ लिया था, मूल में क्या बोला पादा मात्रा मात्रस्य पादा, मूल में जब ये बोला तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि कथम आत्मना पादा जे पादा थे ओंकारस्य मात्रा अथवा जा ओंकारस्य मात्रा अथवा आत्मना पादा कथम भविष्य, ये दोनों व्यतिहार करके आपको लेना पड़ेगा उल्टा करके। जो पाद है जो मतलब आत्मा की पाद है वही ओंकार की मात्रा है, जो ओंकार की मात्रा है वही आत्मा की पाद है, वो दोनों मन बोलने से क्या है तो एक अभिन्नता को दिखाए, बिल्कुल अभिन्न वस्तु। अब बोलते हैं किसी पद यहाँ भगवान बच्चे का क्या लिख दिया कथम आत्मनो जे मात्रा थे ओंकार पादा, ये लिखा लिखना उल्टा भी तो लिखना चाहिए कथम ओंकारस्य मात्रा आत्मनो पादा, ठीक है ना कथम ओंकारस्य मात्रा आत्मनो पादा, तो इसी को बोलते हैं टिप्पणी कर बोलते हैं वहाँ पे इसको अध्ययन करके आप अर्थ करना। यहाँ पर अभिधेय को प्रधानता देके लिखा है यहाँ पे बोलते हैं ओंकारस्य मात्रा, वहाँ पे गलत है ये नहीं बोल रहे, वहाँ पे केवल बोलते हैं उसमें इतना भी ध्यान मिला देना क्योंकि दोनों दिखाने आपको इति अनंतर हम इसके आगे जाश्च ओंकारस्य मात्रा ता आत्मन पादा, जो ओंकार की मात्रा है वो आत्मा की पाई थी मूल अनुरोधा, मूल में ऐसा बोला पादा मात्रा मात्रा पादा मतलब ओंकार की जो मात्रा है वो आत्मा की पाद है, उसके बाद मूल और अपेक्षित दृष्टव्य अपेक्षित है ये समझ लेना चाहिए। तो ये मंत्र पूरा है एक नंबर नीचे एक टाइम पादा नाम मात्रा नाम च एकत्व एतद् अविरुद्धम्, इसलिए मात्रा और पाद में कोई भिन्नता नहीं होने के कारण यहाँ पे जो है कथम पूर्ण एक पादा मात्रा की पाद और मात्रा नाम और नाम ही अभिन्न है। मध्य लिखा है मतलब आप तो ये कर रहे हैं टीका टीका हाँ यहाँ पे लिखा एक बार मध्य च एकत्व नहीं आप इधर क्यों चले गए आप तो यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ रहा अभी उस समाप्त नहीं हुआ उसका लास्ट है उसका आगे है पादानां मात्रानां च एकत्वात्, जो पाद है वही मात्रा है जो मात्रा ही बचे दोनों एक होने के कारण एतत् अविरुद्धम्, इसलिए ओंकार और आत्मा को भिन्न वस्तु नहीं है उपासक के लिए बोल रहे हैं इसलिए यहाँ पे कोई विरोध भी नहीं हुआ। पाद कैसे मात्रा हो सकता है, मात्रा कैसे पाद हो सकता है, पाद तो एक अवस्था है और मात्रा एक उच्चरण है, मात्रा वर्ण की मात्रा होती है तो अब पाद होते जीव की अवस्था है ये दोनों एक कैसे हो सकते प्रश्न तो ठीक है तो आप यहाँ पे उपासना प्रकरण में आपने क्या बोला उस अवलंबन में जब इसको चिंतन करना है तो अभी इसमें इसको नहीं करना है। अच्छा अब यहाँ पे दिखाएंगे कि आपको पहला मंत्र अकाल के साथ अब जागृत स्थान में क्या समर्थ है, क्यों हम ऐसा चिंतन करें कि किसी भी चिंतन में समान कुछ समानता चाहिए उसके बिना आप नहीं कर सकते, इसलिए आगे बोलते हैं आगे पादानां मात्रानां च मध्ये विशाख्य विशेषस्य अकार विशेषत्वं नियमयति। पादानां मात्रानां च मध्ये है ना, पाद हो गया कौन जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मात्रा कौन हो गया
आपने विश्व नामक जो पहला पाद का क्या नाम है, विश्व आख्य विशेष, ठीक है ना, विश्व नामक जो विशेष है पाद है, अकार विशेषता, वो अकार के साथ उसका समान भी समान है, उसको नियमन कर, क्यों उसी समान है वो नियमन करते हैं। जागृत अभिमानी व्यष्टि चेत, जागृत नहीं बोलता, जागृत अभिमानी व्यष्टि चेत है कि नहीं, विश्व मतलब जागृत अभिमानी व्यष्टि चेत, क्योंकि व्यष्टि भी साधन होता है। इसलिए बोलते हैं पादाना मात्राना चमत्य, पाद हो गया तीन जागृत स्वप्न सुषुप्ति और मात्रा हो गया आपका तीन अकार उकार मकार, में विश्व नामक जो विशेषता है, जो विश्व नाम से जो जागृत अभिमानी चेतन को बोला जाता है अकार विशेषता, उसमें जो अकार रूप के अकार रूप से उसको चिंतन किया जाए, ये यहाँ पे नियमन करते हैं, नियमयति, ये नियमन से कौन नियमन कर रहे हैं, श्रुति। आप पादा और मात्रा को जब बोला, आप अपने मन में जो किसी पाद के साथ किसी मात्रा को नहीं मिला सकते, विशेष मतलब किसके साथ किसको मिलाया जाए उसको नियमन किया जाता है, उसको निर्दिष्ट किया जाता है कि बस इसी के साथ इसका चिंतन करो, तत्र विशेष नियम क्रियते। अब मंत्र गाइए, जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारः, जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारः, प्रथमा मात्रा आप्ते आदिमत्वाद्वा, आप्नोति हवै सर्वान् कामान्, आप्नोति हवै सर्वान् कामान्, आदिश्च भवति, आदिश्च भवति, यैवं वेद जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारः, प्रथमा मात्रा आप्ते आदिमत्वाद्वा, आप्नोति हवै सर्वान् कामान्, आदिश्च भवति, यैवं वेद। यहाँ पे एक चीज देखना है, श्रुति की अभिप्राय नहीं है कि आप जिन दिन भर इसको उपासना करके ब्रह्म लोक जाए, श्रुति चाहती है कि यहाँ पे थोड़ी देर उपासना करके अंतकरण शुद्ध हो जाए, शिला ज्ञान प्राप्त हो। इसने यहाँ पे जो भी फल कहा वो दृष्ट फल कहा, अदृष्ट फल नहीं कहा। जागृत स्थान वैश्व, ठीक है, जागृत स्थान है वो वैश्व, उसका नाम है, पहले भी आता है वैश्व, वही जो है अकार है, ओंकार की प्रथमा मात्रा जागृत स्थान वैश्वान, अकार प्रथमा मात्रा, अकार हो गया प्रथम मात्रा, वैश्वान नाम है उसका, वैश्वान उसका नाम है, मतलब जो समस्त रूप में जो दिखाई पड़ रहा है विराट पुरुष को, समस्त रूप में जो दिखाई पड़ता है, यही विश्व है, यही समस्त राम रूप दिखाई देता है, वो क्या है अकार, ओंकार की अकार स्थूल मात्रा बोलते हैं। क्यों, बचपन में जब हमको अ को सिखाया जाता है, क बोलने के शब्द पहले क्या सिखाएगा, क अकार के साथ सिखाएगा, अकार हो गई सर्वानी के द्वारा पूरा सब व्याप्त है, इसीलिए जो है कि प्रथमा मात्रा आपते आदिमत्वात् वा, क्यों आपने बोला जाति प्रथम है और ये आपका अकार है, बोलते हैं क्योंकि आपके सबको व्याप्त किया हुआ है, विराट पुरुष सबको व्याप्त किया हुआ है और अकार भी सभी वर्णों को व्याप्त किया हुआ है, ये व्याप्ति के लिए। और दूसरी बात क्या है, सबसे पहले बोला जाता है, फर्स्ट अक्षर अकार है और पहला स्थान जागृत से आपको शुरू होता है,
जागृत को प्रधानता दे रहे हैं हाँ, क्योंकि जागृत में शादम होती है। आपको तो पहले ही बोल दिया कि जागृत को सुषुप्ति बनाना है, आपको जागृत ही रहना है, आपको वही पहले उसका प्रेडिमिनेंट है वो। अपने ज्ञातियों में मार्ग दिखाने के लोगों को पूछते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर नहीं बनते यहाँ पे जाओ बचने के बाद, यदि वो वचन होगा तो भी प्राप्त करेगा। कोई बोला सर्वान काम सारे काम है, तो सर्वान काम में महाराज वो भी है तो पूरी अवस्था भी है हाँ, तो वो भी होगा। एक से होगा क्या ना, दो दिन में नहीं जाते नहीं, आपको जब धीरे धीरे एक एक करके चलेंगे तो आप, क्योंकि आपको यदि तुरी अवस्था प्राप्त करने की इच्छा है तो यहाँ पे बाह्य काम को वस्तु को लेकर के बोलते हैं, विराट के सापेक्ष में स्थूल वस्तु को स्थूल वस्तु को प्राप्ति हो जाएगी, सूक्ष्म के लिए धीरे धीरे अंदर जाना पड़ेगा। जितना सूक्ष्मतम वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे उतना सूक्ष्मतम वस्तु को पकड़ना पड़ेगा। यथाक्रतु न्याय हर जगह पे लगता है, हर जगह पे लगता है, जिस संबंध धीरे धीरे सूक्ष्मतम को प्राप्त हो सकता है। इसलिए बोलते हैं इस प्रकार की उपासना कर, यहाँ पे वेद शब्द ज एव वेद, यहाँ पे वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, नहीं तो चंद्र उपासना अकार प्रथमा मात्रा उस चरण के साथ अकार की चिंता। क्या हो गया कि आप क्या बोला, मैं ओंकार वेद का रूप में चिंतन कर रहे हैं, आप ओंकार आपको जब लिखते हो तो अकार दिखाई पड़ते हैं, तो आपको उच्चारण किया और यही मेरा जागृति सोचना है, इसके साथ चिंता करें। केवल एक मात्रा के लिए प्रश्न प्रश्न में आया हुआ है, जो तीन मात्रा मतलब एक मात्रा के उपासना होते हैं, दो मात्रा की उपासना होती है, तीन मात्रा के लिए उपासना अलग अलग और उसका अलग अलग फल भी है। प्रश्न प्रश्न आया था आपका, आप फल उपासना करना चाहिए, यदि आप फल का भी हो तो अब जब फल का भी नहीं है, आप आत्मज्ञान प्रसंग क्या रहे, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्तम अधिकारी के लिए स्वयं आत्मा दो, उत्तम अधिकारी के लिए स्वयं आत्मा चतुष्प तृतीय में स्वयं आत्मा अध्यक्ष, वो आपको ज्ञान प्राप्ति के रास्ता दिखा रहे। यहाँ पे कोई प्रसंग उपनिषद में जो तीन मात्रा एक साथ करते हैं उसको क्या प्राप्ति होता है, ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। यदि वो निर्गुण ब्रह्म का भी चिंतन करेंगे, यदि शरीर से अंतकरण शुद्ध हो गया तो यही पे ज्ञान होगा, नहीं होगा तो ब्रह्म लोग जाएगा ही जाएगा, परंतु निर्गुण ब्रह्म का चिंता करता था तो वहाँ पे जाते ही उसको ज्ञान हो जाएगा और नहीं आना पड़ेगा, ना नहीं आना पड़ेगा, 100% नहीं आना पड़ेगा, क्रम मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे भी तो वही होगा, यहाँ भी वही होगा, क्रम मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे भी यदि मान लीजिए साक्षात्कार नहीं हो पाया तो क्रम मुक्ति तो असंभव है। जाके तीनों के एक साथ मिला करके चिंतन करेंगे जागृत स्थान अकार मात्रा आपते मतलब व्याप्त करने के कारण, और आदि मात्रा मतलब सबसे पहले होने के कारण, उसका फल क्या होता है, आपनोति हवे सर्वार्थ का। आप जब विराट पुरुष के साथ एकत्र चिंतन करोगे, संसार में काल विमय होगा था ये सारा संसार भोग को और भोक्ता रूप में निभा जाए, भोग तो भोग रूप में आ जाए, विराट पुरुष से सब कुछ तो सारा भोग को मुस्त आपके सामने यहाँ पे आ जाए आएगा। ये कोई अलग कोई एडिशनल कोई रिजल्ट नहीं मिलता, विराट पुरुष का चिंतन के ही फल है। सारा संसार इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या होता है, जो भोगता होता है वो भोग को भी होता है। वो जो ब्रह्मचारी था उसमें संवर्ग विद्या में वो यही चिंतन करता था, वो यही बोला, वो मतलब संवर्ग विद्या प्राण उपासना ही बोला ब्रह्मचारी का। आप भी इसको जानते हैं, जिसको उसी को तुम नहीं दे रहे हो, वो हिरण्य गर्भ को पसंद था उसी के लिए तो भोजन। इसलिए हमें बोलते हैं काश था ठीक आगे यहाँ पे बोला जागृत स्थान विश्वानर आकार पुत्र मात्रा। आप देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, नहीं हमको ठीक है, भाष्यकार बोलते हैं तत्र विशेष नियम क्रियते जागृत स्थान जह स ओकार स अकार है ना,
ये जो आत्मा की जो जागृत स्थान पहला पाद है वही ओंकार का पहला पाद रहेगा। जागृत स्थान जह स ओंकार स अकार प्रथमा मात्रा ओंकार का प्रथम मात्रा अकार है। श्रुति बोलते ऐसा। अब यहाँ पे ठीक है, देखिए विश्व अकार योग, विश्व हो गया वैश्य भी मनुष्य और अकार योग एकत्रम सादृश्य सति आरोप है जो शर्तम कुछ समानता हो तब आप आरोप कर सकते, समानता के बिना आरोप नहीं कर सकते है ना, कुछ सादृश्य हो तब उस आरोप होता है कि इसमें समानता, इसलिए होता है विश्व अकारयोर एकत्व सादृश्य सति आरोप एकदम शर्तम, यदि कुछ समानता हो तब तब आरोप कर सकते हैं, अन्यत्र सति एव तस्मिन् आरोप संदर्शनार्थ तथा च किं तत् आरोप प्रयोजक सादृश्यमिति पृच्छति। यहाँ पे आगे केन सामान्येन इत्यादि ओंकार है तो पुस्तक ठीक है, तो विश्व अकारयोर एकत्र सदृश्य सति आरोपयितुं शक्यम् अन्यत्र सति एव तस्मिन् आरोप संदर्शनात् कहाँ दृष्टि में होने पर भी कुछ भी दूसरी जगह पे है, दूसरी जगह पे है क्या भी बोलते हैं अन्यत्र सति दूसरी जगह पे होते हुए भी तस्मिन् एव आरोप उसमें हम आरोप करते हैं है ना, ये जो है संत इसलिए ये जो उपासना के लिए ऐसा किया दर्शन संभव दृष्टि के कारण संभव वहाँ पे भावना आते हैं इसलिए यहाँ करते हैं। क्यों करते हैं, एक में ये नहीं है आत्मा, आत्मा में कोई पाप नहीं है, आरोप करने में अलग करके आपको मात्रा देख नहीं है, परंतु आरोप करने के लिए उपासना करने के लिए अवलंबन के लिए कहा जाता है, दो भिन्न भिन्न वस्तु है आत्मा एक हो गया अभिधि, आत्मा के लिए होता अभिधान है अभिधि एक नाम है मतलब शब्द रूप है जिसके कारण समय से आरोप कर सकते हैं पृच्छति केवल सामान्य समानता के कारण इस तस्मिन् आरोप सदृश सदृश्य करें कुछ सदृश्यता होगा तब उसमें किसी में कोई वस्तु को आरोप करने के लिए कुछ समानता चाहिए। देखो शालिक राम शिला में क्यों है वहाँ पे एक जनयुद्ध संगीत है अर्थात शालिक राम में एक सफेद दाग की शरीर है भगवान विष्णु के जनयु को जनयुद्ध से होने का रहता है ऐसा शालिक राम शिला में दिखाई पड़ता है वो इसी गाँव में विष्णु के चुनते उपजन उदन्वती त्राशने में यद्पादव आस्कितानां स्विजिशमगिनया प्राप्तिरत्याध्यमोगा तत्पादव पारनीयों भवभयपिजदो सर्वभावे नमस्ते।